हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एनसीआरटीसी लिमिटेड में आई वैकेंसी के बारे में। जॉब वैकेंसी नंबर है 4024 रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और क्या यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो ये एक ऑन रोल रेगुलर जॉब है जिसे अप्लाई आप डायरेक्ट जाके कर सकते हैं ऑनलाइन। टोटल डिटेल आपको बताएंगे, आगे ये देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है इस वैकेंसी से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट और की डिटेल दिया गया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, E2 लेवल पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी एंड जो आपका पे स्केल है 50,000 to 1,60,000 रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर कैपेसिटी यानी कि ऑन जॉब रेगुलर वैकेंसी निकाला गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E2 जैसा कि ऊपर मैंने बताया, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट्स और MBA फाइनेंस और पोस्ट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस और इट्स इक्विवेलेंट, तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन या डुअल क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है यहाँ पे, प्रोफाइल जो है आपका बता दिया गया है, एक्सपीरियंस कहाँ पे कैसे होना चाहिए वो सारी चीज़ें बताई गई है। मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है और ये किस एरिया में होना चाहिए वो सारा यहाँ पे बता दिया गया है। स्किल सेट क्या क्या होना चाहिए वो भी सारा यहाँ बताया गया है और आपका क्या एम्प्लॉयमेंट में एक्सपीरियंस था वो आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड इस पोस्ट के लिए क्या आपका CTC पे स्केल होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट, उस तो इसमें बताया गया CDA यानी कि सेंट्रल डियरनेस अलाउंस के पे स्केल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल पे है तो 56,100 का पे स्केल होना चाहिए जो कि लेवल 9 और उससे ऊपर वाले पे होना चाहिए। लास्ट 3 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए इस स्केल पे यानी कि L8 पे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। IDA पे स्केल में है यानी कि PSU सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो 50,000 to 1,60,000 या उससे ऊपर वाले स्केल में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स एक सर्विस जो आपका एक्सपीरियंस है वो 40,000 पे होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो मिनिमम CTC 10 लाख पर एनम आपका होगा तो ही एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, प्राइवेट में है तो 10 लाख का CTC, PSU में है तो 50,000 और 40,000 का स्केल, और CDA यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 3 ईयर्स का लोअर स्केल पे एंड करेंट स्केल पे भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको जो भी सारी है एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो 40 ईयर्स है, उसके बाद ये आपका एडिशनल बेस्ड ऑन योर कास्ट कैटेगरी मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी जो 50,000 है, उसके अलावा आपको यहाँ पे वेरिएबल DA यानी कि DA, HRA, पर्क्स, लेवन सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और जो भी कंपनी के बेनिफिट्स हैं एज पर रूल रेगुलेशन वो सब आपको मिलेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे जॉइंट वेंचर जो भी है वर्क प्लेस जहाँ भी इनके ऑफिस होंगे वहाँ पे आपको कंपनी असाइन करेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 14 सितंबर को आपका अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 13 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पे प्योरली बताया गया है कि रिटेन एग्जामिनेशन यानी कि CBT के थ्रू होगा। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 10 to 15 days बिफोर आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया, रिटेन टेस्ट का वेटेज आपको 80% है एंड इंटरव्यू का वेटेज आपका 20% रखा गया है। जो इससे रिलेटेड सारी सिलेबस है कुछ भी है वो सारा आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप इनके लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट नीड टू अपलोड द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अप्लाई करेंगे तो ये सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अप्लीकेशन के साथ आपको अपलोड करना है। उसके बाद जब अपलोड हो जाए, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इस एड्रेस पे सेंड करने हैं और सारे रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड आपने अपलोड किए हैं स्कैन करके वो सारा कॉपी यहाँ पे लगा के आपको मेल जो भी है कुरियर कर देना है और एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि आपका जो एनवेलप होगा उसके ऊपर जो चीज़ डिटेल लिखनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर से ज़रूर आप नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और बहुत दिनों बाद वीडियो रहा हूँ तो लाइक कर दीजिए अभी।